everyone, welcome back to my channel EdSecrets International. My name is Shweta and I am your PTE trainer. I have come up with a very interesting topic today, and that is right from dictation in PTE listening module, and that is the last section of PTE listening. So before starting the video, if you are new to this channel, quickly subscribe it and also press the bell icon, also like this video. So let's begin. पीटी का लिसनिंग मॉड्यूल और उसका एक सेक्शन है राइट फ्रॉम डिक्टेशन, जो कि ये इसका लास्ट सेक्शन है। तो आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। राइट फ्रॉम डिक्टेशन एक ऐसा सेक्शन है जिसमें कि आपको पर्टिकुलर ऑडियो को सुनना है, उसमें कुछ एक सेंटेंस या किसी फ्रेज को वो डिक्टेट करेंगे। यू हैव टू रिमेम्बर दैट फ्रेज और सेंटेंस एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट दैट सेंटेंस और फ्रेज in your computer. I mean, you have to type in your computer. So it seems to be easy, but according to me, it's not that easy for the students. And right from dictation is called the king of PTE. सबसे ज़्यादा जो marks हैं, वो right from dictation से ही आते हैं. और अगर आपका पूरा का पूरा right from dictation सही है, तो you will get total marks. और आपको जो राइट फ्रॉम डिक्टेशन है, एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस आएंगे, और अगर आप 3 to 4 क्वेश्चंस ही सही करते हो तो यू आर गोइंग टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। अब बात आती है कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन करे तो करे कैसे, बिकॉज ये सबको टफेस्ट पार्ट लगता है। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टिप्स एंड ट्रिक्स टू डू राइट फ्रॉम डिक्टेशन। ओके, सो द बिगेस्ट मिस्टेक द स्टूडेंट्स डू इज कि वो दो चीजें साथ में करते हैं। पहली बात तो एक तो वो डिक्टेशन को सुनते हैं, दूसरी बात वो साथ साथ में कंप्यूटर में टाइप करते हैं। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक्स द स्टूडेंट्स डू। अब आपको क्या करना है, देखो बीइंग ह्यूमन, हम दो चार चीजें अगर हम इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं तो वो यूजली मेक मिस्टेक्स। आई एडवाइज, क्योंकि एक एग्जाम है, इसके बिहाफ पे ही आपका फ्यूचर डिसाइड है, तो मैं यही चाहती हूँ कि आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स अपनाने हैं जिससे कि आपका राइट फ्रॉम डिक्टेशन बिल्कुल करेक्ट जाए। अब इसको करना कैसे है, नेवर एंड नेवर लिसन एंड टाइप साइमल्टेनियसली। आई वुड एडवाइज यू कि पहले आप अच्छे से ऑडियो को सुन ले, दिस इज अ फर्स्ट स्टेप। पहले आप अच्छे से ऑडियो को सुन ले, जो वो डिक्टेट कर रहा है, जो सेंटेंस वो बता रहा है उसको आप प्रॉपरली सुनिए, ट्राई टू रिमेम्बर दैट सेंटेंस इन अ वेरी करेक्ट मैनर, और उसके बाद जैसे डिक्टेशन खत्म होता है उसके बाद आपको टाइप करना शुरू करना है। एंड हियर आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर वन थिंग कि आपके पास वो जो इरेजेबल नोट पैड होता है और आपके हाथ में मार्कर होता है, आप उसका इस्तेमाल करें। ओके, सो इट्स बेटर टू यूज दैट एज सून एज यू लिसन टू द ऑडियो। वो आप साथ साथ में नोट्स बना सकते हो। आई एम नॉट हियर सेइंग कि आपको टाइप करना है कंप्यूटर पे, बल्कि आप नोट पैड के ऊपर नोट्स बना सकते हो। उसके बाद जैसे प्रॉम्प्ट खत्म होता है, डायरेक्टली इन द सेम सेकंड आपको टाइप करना शुरू करना है। नाउ द सेकंड टिप इज ट्राई टू राइट द शॉर्ट फॉर्म्स। अब शॉर्ट फॉर्म्स की बात आती है, अब शॉर्ट फॉर्म सुन के आप घबरा ना जाइए, शॉर्ट फॉर्म्स आप खुद की तरफ से भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको एयर कंडीशनर आता है तो आप उसकी जगह पे अपने नोटपैड पे आप एसी लिख सकते हो। अगर आप टुडे लिखना चाहते हैं तो आप टू डाल के डे लिख सकते हो। अगर आप फॉर एवर लिखना चाहते हो तो आप फोर डाल के एवर लिख सकते हो। यू कैन मेक दिस शॉर्ट फॉर्म्स इन योर ओन वे। आपको किसी पे यहाँ पे स्पेसिफिकली नॉलेज की जरूरत नहीं है, आप खुद इन शॉर्ट फॉर्म्स को बना सकते हो, अपने नोट्स को बना सकते हैं, बिकॉज दैट विल रिक्वायर लेस टाइम, एंड आप अपने नोट्स को भी अच्छे से बना सकते हो, उसके बाद टाइप भी आप इजीली कर सकते हो। नाउ द थर्ड टिप इज ट्राई टू राइट दिस सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। अब आपको मार्क्स ही ऐसे मिलने हैं अगर आप सेंटेंस को बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में लिख रहे हैं, तो ही जाके कंप्यूटर आपके सेंटेंस को कैच करेगा और आपको एग्जैक्ट मार्क्स देगा। बट अगर आप वर्ड्स को आगे पीछे कर रहे हैं, मान लो आपको पूरा सेंटेंस याद नहीं है पर आपका अगर वर्ड्स आगे पीछे जा रहे हैं, तो कंप्यूटर उसको कैच नहीं करेगा। वो वर्ड्स जो प्रॉपर सीक्वेंस में है, करेक्ट ऑर्डर में है, कंप्यूटर उसी को कैच करेगा, उसके बिहाफ पे ही आपको मार्क्स देगा। सो ट्राई टू रिमेम्बर द सेंटेंस होल इन द करेक्ट ऑर्डर एंड ट्राई टू टाइप द सेम सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर इन ऑर्डर टू गेट द फुल मार्क्स। नेक्स्ट स्टेप इज डोंट मेक ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स। पहले मैं बात करूंगी स्पेलिंग मिस्टेक्स के बारे में। मुझे मैक्सिमम ऐसे मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं जिनके ज्यादातर स्पेलिंग में मिस्टेक्स आती है, एंड वॉट आई डू फॉर देम कि मैं उनको कहती हूँ कि मुझे एवरी डे डिक्टेशन दे के जानी है। मैं उनको एटलीस्ट 40 to 50 वर्ड्स एवरी डे देती हूँ डिक्टेशन के लिए, एंड आई हैव सीन अ मिरेकुलस चेंज इन माई स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से यही काम करने की वजह से उनको राइट फ्रॉम डिक्टेशन में कभी आज तक प्रॉब्लम नहीं आई। आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी, क्योंकि जैसे ही स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हो तो आप अपने
भी कर सकते हो. सो बिफोर गिविंग द टेस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस योर स्पेलिंग्स. अब बात करते हैं ग्रामर के बारे में. बिकॉज आपको पता है कि कंप्यूटर ने आपके पेपर को चेक करना है, तो कंप्यूटर को सारे स्पेलिंग्स करेक्ट पता होते हैं. तो अगर आप गलत स्पेलिंग्स लिख रहे हो तो वो उसको मार्क कर देगा और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे अच्छे से. सो आपको अपने ग्रामर को भी ठीक करना है. और अगर आप किसी सेंटेंस को याद रखते हो तो ट्राई करो कि उसको खुद ग्रामेटिकल ऑर्डर में सही करने की कोशिश करो, अगर आप थोड़ा गलत भी सुन लेते हो. सो डू नॉट मेक स्पेलिंग्स एंड ग्रामर मिस्टेक्स. नेक्स्ट स्टेप इज इफ यू डोंट रिमेम्बर द सेंटेंस कम्प्लीटली, ट्राई टू मेक द बेस्ट गेस ऑफ इट. अगर आपको अच्छे से सेंटेंस याद नहीं है, आपको कुछ वर्ड्स बीच में से मिस हो रहे हैं, तो अपना वहां पे प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करके आपको सेंटेंस को पूरे करने की कोशिश करनी है. अब सेंटेंस पढ़ते ही हमें कई बार समझ में आ जाती है कि अगर कुछ ऐसा वर्ड हम बीच में डालें तो सेंटेंस कंप्लीट हो सकता है, या आपको थोड़ी बहुत धुंधला याद है कि उसने ऐसा कुछ वर्ड बोला था. सो ट्राई टू कंप्लीट द सेंटेंस, और उस सेंटेंस को वो वर्ड डाल के आप कंप्लीट करोगे ताकि सेंटेंस पूरा हो जाए. नेक्स्ट स्टेप इज बिफोर क्लिकिंग टू द नेक्स्ट बटन, आपको अपने आंसर को ट्वाइस या थ्राइस चेक करना है. अगर आपको ये लगता है कि आपको जो सेंटेंस है वो गलत जा रहा है, तो आप अपने नोटपैड को अच्छे से रीड कर सकते हो, दोबारा उस टाइपिंग को आप ठीक कर सकते हो. मान लो कहीं पे कॉमा भी लगाना है, कहीं पे स्पेस लेनी है, या कहीं पे कैपिटल लेटर नहीं आपने लगाया, तो आपको ये नेक्स्ट करने से पहले ये चेक करना है कि कहीं आपकी कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, ग्रामेटिकल मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक, या फिर आपका सेंटेंस सही फॉर्म हुआ है, या वर्ड कहीं आगे पीछे तो नहीं गया. आपको ये सारी चीजें बिफोर क्लिकिंग नेक्स्ट आपको चेक करनी है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप सही होने के बावजूद भी अपने आंसर को गलत लिख देंगे, एंड एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द एग्जाम, यू विल से कि मैंने तो सब अच्छा लिखा था, पता नहीं मेरे मार्क्स क्यों नहीं आए. नाउ द लास्ट टिप इज ट्राई टू इम्प्रूव योर टाइपिंग स्किल्स. अब टाइपिंग स्किल्स की बात करते हैं. बिकॉज आपको पता है कि ये पीटी का सारा टेस्ट जो है वो कंप्यूटर के ऊपर है, और आपको ऑफ कोर्स कंप्यूटर के पार्ट्स तो यूज करने हैं जैसे कीबोर्ड और माउस. मैं बात करूंगी टाइपिंग के बारे में, क्योंकि टाइपिंग जो है वो हमें आनी चाहिए. लाइक यू शुड हैव अ गुड स्पीड इन टाइपिंग. बिकॉज आपको पता है कि आपका टाइमर साथ साथ में चलता है, तो अगर आपकी टाइपिंग पीछे रहेगी या आप सही से टाइप नहीं कर पाए तो आप अपने मार्क्स को लूज भी कर सकते हो. और अगर आपका टाइमर ही निकल गया तो फिर आप बहुत पछताओगे. सो इट्स बेटर कि आप अपने टाइपिंग के स्किल्स को पहले से इम्प्रूव कर लो, ताकि बाद में जाके आपको रिग्रेट ना हो, आपको पछताना ना पड़े. सो ट्राई टू फोकस ऑन द लास्ट स्टेप जो मैंने आपको दिया, इम्प्रूव योर टाइपिंग स्किल्स. फॉर दैट आप अपने घर में बैठ के आधे घंटे की या 15 मिनट की टाइपिंग कर सकते हो. एक पेज ले लो, बुक ले लो, आप उसको टाइप करो. दिस विल हेल्प यू लॉट कि आपके फिंगर्स जो है वो कीबोर्ड के ऊपर अच्छे से चल पाए. सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू. पर्टिकुलरली मैंने खास करके यही टॉपिक इसीलिए चूज किया क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स को भी इस टॉपिक के ऊपर इस सेक्शन में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है. दैट इज वाई आई चूज कि मैं आपको भी वीडियो बना के सिखाऊंगी आपको इनको इन टिप्स का इस्तेमाल करके कैसे अपने राइट फ्रॉम डिक्टेशन में अच्छा स्कोर करना है. ओके सो अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस भी चाहिए तो आपके स्क्रीन के ऊपर नंबर मेंशन है, आप इसमें मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. एंड ऑल्सो अगर आपको किसी चीज में डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मैं आपके कॉमेंट्स को, हर कॉमेंट को पढ़ती हूँ, और डेफिनेटली आई वुड लव टू आंसर यू इन द कॉमेंट. या फिर अगर कोई नई वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी तो मैं वो भी बनाऊंगी. सो बिफोर लीविंग द वीडियो आई वुड अगेन से क्विकली सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर ऑल फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स हु नीड दिस वीडियो. सो स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी.